हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी गुजिया बनाएंगे जो मुंह में जाते ही घुल जाए। होली हो या दिवाली, घर में गुजिया ना बने ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि गुजिया बनाना कितना आसान है और कितनी खस्ता वो सॉफ्ट बनती है। घर में बड़े हो या छोटे, सब इसे शौक से खाएंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसे हम बारीक छलनी से छान लेंगे, मतलब जो मेथी की छलनी आती है एकदम बारीक छलनी, उससे हम इसे छान लेंगे। गुजिया खस्ता बने उसके लिए मैंने 1/4 कप इसमें घी डाला है, मतलब 4 चम्मच इसमें मैंने घी लिया है। अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेंगे। घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक सख्त डो बना लेंगे। ये मैंने सख्त डो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। डो को हम एक बाउल में रखेंगे और एक कॉटन के कपड़े को हल्का सा गीला करके उससे हम इस डो को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए ये मैंने मोटी सूजी ली है 1/2 कप। आपके पास मोटी या बारीक जो सूजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और 1 चम्मच घी डालेंगे। हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लेंगे, मतलब सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए, सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम मावा को भी भून लेंगे। तो ये मैंने 150 ग्राम मावा लिया है। मावे को भी हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। मावे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने जो सूजी भुनी थी वो इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। 1/2 कप नारियल का बुरादा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच जायफल डालेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है, तो अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर का बूरा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हो गई है तैयार गुजिया की स्टफिंग। अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, डो बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसे हम एक जैसा कर लेंगे। हम अभी इसमें से थोड़ा सा डो को कट कर लेंगे और बाकी का हम इसमें वापस रख देंगे और इसे कपड़े से कवर कर देंगे। अब हम चाकू से छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे। इस तरह से हम सभी लोए बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। इसे हमें ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला। ये देखिए, इतनी बड़ी बनाना है हमें। ये मैंने 2 पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, मेरे पास गुजिया का गोल साँचा है, तो आज मैं इससे आपको गुजिया बनाकर बताऊंगी। और अगर आपके पास इस तरह के साँचे हैं तो आप ये साँचे भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हम इसमें एक पूड़ी रखेंगे इस तरह से, और जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो इसमें एक चम्मच भरेंगे। इसमें हम चारों साइड इस तरह से पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये घुले नहीं। और दूसरी पूड़ी इस तरीके से हम रख देंगे और इसे इस तरह से कवर करके, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हाथ से इस तरह से निकाल देंगे। और देखिए ये कितनी बढ़िया बनकर गुजिया तैयार हो गई है। अब मैं आपको इस साँचे से भी गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा लोया लिया है और इसकी हम बड़ी पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए इतनी बड़ी आपको पूड़ी बनाना है, और साँचे में हम इस तरह से इसको रख देंगे। अब ये एक साइड है, इस साइड हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, तो इसमें भी हम एक चम्मच ही स्टफिंग भरेंगे। और इसके ये हाफ साइड हम पानी लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये खुले नहीं, और दूसरी साइड से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे ताकि ये एकदम परफेक्ट शेप में बने। तो देखिए आपको मैं खोलकर दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी कि बिना साँचे के भी आप गुजिया बना सकते हैं। तो इसमें हम एक चम्मच स्टफिंग भरेंगे। इसके हम चारों साइड पानी लगा देंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हाथ से अच्छी तरह से इसे दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब फ्रेंड्स पिज़्ज़ा कटर तो सबके यहाँ होता है, तो हम पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। गुंजिया को आप थोड़ा सा दूर से कट करें ताकि जो स्टफिंग हमने भरी है वो बाहर निकले नहीं। ये देखिए बिना साँचे की भी हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। इसके जो साइड के कॉर्नर है उसे आप हल्का सा इस तरह से दबा सकते हैं। सभी गुजिया इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए गुजिया सूख गई है। गुजिया को मैंने 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। अगर आप इसे ज़्यादा सुखा देंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगी। और जो आटा बचा था उसकी मैंने इस तरीके से पपड़ी बना ली है। आप चाहें तो खुरमे भी बना सकते हैं। नमक अजवाइन डालकर मैंने पपड़ी बनाई है। इसे मैं एक तार की चाशनी में डालकर और मीठी पपड़ी बनाकर तैयार कर लूँगी। अब हम गुजिया फ्राई करेंगे, तो मैंने कढ़ाई में घी को गरम कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा आटा डालकर देखेंगे। तो देखिए ये घी गरम हो गया है, तो अब हम इसमें गुजिया डाल देंगे। आपको गैस की फ्लेम लो रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घी ठंडा हो गया है तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें। और देखिए ये हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे वाइट ही रखूँगी क्योंकि मुझे वाइट गुजिया पसंद है। ये खस्ता भी बहुत ज़्यादा होती है, मुंह में जाते ही ये घुल जाती है। और अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप उस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये गुंजिया ज़्यादा खस्ता होती है। देखिए गुंजिया कितनी जल्दी फ्राई हो रही है। मैदा है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए हमारी गुंजिया ये वाली भी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप सभी गुंजिया मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने सभी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली है। और देखिए मैं आपको एक गुंजिया तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए गुंजिया कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी आसानी से टूट रही है और मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें मसाला भी एकदम परफेक्ट है।